हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जो मैं है दिल्ली जा रहा हूँ, तो अभी आ चुका हूँ मैं रांची। यहाँ से जो है मेरी ट्रेन 10:05 की है, तो यहाँ से जो मैंने ऑटो ले लिया है, तो यहाँ से जो मैं ऑटो लेके रांची रेलवे के लिए जाऊँगा। और देखते हैं, मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी दोस्तों, अभी देखते हैं कंफर्म होती है या नहीं, बाकी देखते हैं हो जाएगी। और अभी अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पहुँच चुका हूँ रांची रेलवे स्टेशन, और देख रहे हैं बाहर के नज़ारे। तो दोस्तों, मैं जो है अंदर की ओर अभी जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी टाइम होने वाली है ट्रेन आने की, पर शायद ट्रेन हमारी जो है लेट है। और ये रांची रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ जो हमारे MS धोनी सर जो है कभी TT काम किया करते थे, ये वही स्टेशन है दोस्तों जो कि रांची के। तो दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों, मैं जो है एंट्री गेट पे पहुंच चुका हूं, और यहां जो है हमारे सामान की चेकिंग होगी। सामने लगी हुई एक्सरे मशीन जिसमें कि हम अपने सामान रखेंगे, और अपनी भी चेकिंग होगी। इसमें चेक हो जाती है दोस्तों सभी चीज़, जितने थैले वैले हो या बैग वैग हो, उसके अंदर सभी चीज़, बैग के अंदर के जितने भी सामान होते हैं दोस्तों, इसके आर पार पूरे दिखाई देती है। एक्सरे मशीन की खूबी है। और ये देखिए, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है रेलवे स्टेशन में और यात्रा करने वाले की दोस्तों देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ। और जैसे कि अभी अभी पता चला कि दोस्तों, तो हमारी ट्रेन जो है काफ़ी लेट है, 1 घंटे लेट है। तो तब तक हम वेट करेंगे, और हमारी सीट भी कंफर्म हो गई है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है, 1 घंटे लेट चल रही है दोस्तों। और दोस्तों, इस गाड़ी की नंबर है 12825, और गाड़ी जो है झारखंड से ही आनंद विहार के लिए चलती है। गाड़ी का नाम है झारखंड संपर्क सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि हमें शाम 7:30 बजे पहुंचाएगी। और दोस्तों, रात भर सफ़र करने के बाद जो है हम लोग अभी कानपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं, और ये देख रहे हैं पैसेंजर की रेल इंजन कैसी होती है। वैसे पैसेंजर वाली ट्रेन की इंजन जो है, और जो है दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग आनंद विहार टर्मिनल पहुँच चुके हैं, और हमारी गाड़ी जो है दोस्तों 1/2 घंटे लेट पहुंची है। वैसे कोई बात नहीं। और ये देखिए, हम जो है आनंद विहार टर्मिनल में बाहर आ चुके हैं, और यहाँ से बाहर की ओर निकल रहे हैं दोस्तों। जस्ट बाहर जैसे निकलेंगे दोस्तों, तो इसके बाहर जो है मेट्रो स्टेशन है, आप मेट्रो से भी जा सकते हैं और ऑटो से भी जा सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा बने। वैसे हम तो ऑटो से ही जाएंगे, क्योंकि हमारी सामान जो है बहुत ज़्यादा है, और शाम को मेट्रो में टिकट के लिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट कार्ड है नहीं यात्रा करने के लिए, जिससे कि लाइन में लगने में बहुत। और दोस्तों, हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं स्टेशन के बाहर, और यहाँ जो है ऑटो मेट्रो स्टेशन दोनों ही पास हैं। और जो है हम लोग दोस्तों यहाँ से ऑटो ले रहे हैं, जो कि हमें 200 रुपये पड़ रही है कालका जी के लिए। और हम लोग जो है अब निकल चुके हैं ऑटो ले कर कालका जी के लिए, और देख सकते हैं काफ़ी स्पीड में ऑटो वाले भैया जो है हमें ले कर चल रहे हैं। तो दोस्तों, कालका जी पहुंचने के बाद जो है मैं मेट्रो ले लिया हूं, और यहां देख सकते हैं मेट्रो के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। हमारी तो आई नहीं है, पर आउटर साइड से जा रही है मेट्रो। और दोस्तों, आ चुकी है हमारी मेट्रो भी, और ये देखिए अंदर कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है दोस्तों, क्योंकि अभी नाइट का टाइम है, जो कि सभी की काम करके वापसी का टाइम होती है, ऑफिस वगैरह से वापस जाते हैं, तो बहुत ही भीड़ है। तो दोस्तों, मैं जो है CP की पहुंच चुका हूं, और ये देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग जो भी है सब चलते रहती है। और सामने देख रहे हैं PVR प्लाजा सिनेमा, जहाँ की आदि पुरुष पिक्चर लगी हुई है। और ये देखिए, और फाइनली जो है मैं अपने भैया तक पहुँच चुका हूँ।
जो कि मेट्रो के नज़दीक में ही रहते हैं, उनका रूम है। ये देखिए बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं जो है पहुंच चुका हूं सिटी कंधार प्ले अरे हमारे सर है कार पार्किंग वाले महोदय मैनेजर अरे हमारे सुपरवाइजर कार पार्किंग के सुपरवाइजर हैं साय पार्किंग के। नहीं बस आया हूं दोस्तों मैं भी काम करने, चेक करो मिलते हैं आगे।